गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, आई एम शंभू सर, योर मैथ टीचर. वेलकम बैक टू डे. वी आर गोइंग टू डिस्कस एक्सरसाइज 6.2, हुज क्वेश्चन फिफ्थ. क्वेश्चन फिफ्थ वी हैव गिवन इन द गिवन फिगर. इफ ए बी पैरेलल सी डी, ये आपका ए बी पैरेलल सी डी है, देन वन एंगल ए पी ओ इक्वल्स टू 50 डिग्री. ए पी क्यू, ए पी क्यू इक्वल्स टू 50 डिग्री. देन वन ये एक्स है, सॉरी ये वाई है, ये एक्स है और यहाँ एंगल पी पी आर डी ये 127 डिग्री. क्लियर सर? ए बी पैरेलल सी डी एंड एंगल ए पी क्यू इक्वल्स टू 50 डिग्री. एंगल पी आर डी इक्वल्स टू 127 डिग्री. फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई. फाइंड एक्स एंड वाई. सर कंडीशन देखें कि अगर ए बी सी डी के पैरेलल है, ये ए बी है, ये सी डी है, और सिर्फ इसको देखें, ये पी आर जो है अगर ट्रांसवर्सल है तो ये देखें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे. अगर हम देखें सर कंडीशन की बात करें, क्या है फिगर, सॉरी फिगर तो यही बना है, ए बी पैरेलल सी डी एंड पी आर इज अ ट्रांसवर्सल. अगर पी आर आपका ट्रांसवर्सल होगा तो आप देखेंगे कि सर एंगल ए पी सॉरी ए पी आर इक्वल्स टू एंगल पी आर डी आपके होंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट आपके इंटीरियर एंगल्स होंगे. तो आप देखेंगे सर ए पी आर जो है वो देखो 50, ए पी क्यू और यहाँ से देखेंगे तो पी क्यू आर दोनों एंगलों से मिलकर बन रहा है, मीन्स 50 प्लस वाई इक्वल्स टू आपका आ रहा है एंगल पी आर डी. पी आई डी का वैल्यू भी है 127 डिग्री. इट्स ओके सर. देन वन y इक्वल्स टू 127 डिग्री माइनस 50 डिग्री. देन वी गेट सर 12 माइनस 5 77 हो जाएगा. ये y का वैल्यू हो गया 77. अब आपको अगर x का वैल्यू फाइंड करना है तो एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई होगा, बट इससे पहले आपको एंगल p आर क्यू फाइंड करना होगा. और आप देखेंगे कि ये जो है ये लाइन है सी डी और यहाँ देखें एंगल पी आर डी और पी आर क्यू जो है वो लीनियर पेयर बना रहा है. तो आप इसको देखिए इतना रब कर दे रहे हैं कि आपका वाई जो है वो किसके इक्वल आ गया है 77 डिग्री के इक्वल है. क्लियर? चलिए सर कंडीशन एंगल पी आर डी, पी आर डी प्लस एंगल पी आर क्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री. वाई लीनियर पेयर, या आप ये कर सकते हैं एक्सटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी भी आप अप्लाई कर सकते हैं कि उससे अगर देखें इससे तो आपका पी आर डी का वैल्यू है 127 डिग्री, एंगल आपका है पी आर क्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री. देन वी गेट p
पी आर क्यू इक्वल्स टू 180 माइनस 127 डिग्री, 37 माइनस 2 553, एंगल पी आर क्यू है 53। अब देखो ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी अगर लगा लें या एक्सटीरियर, देखो दो चीज़ें होती है, या तो आप दो कॉन्सेप्ट है जो मैं करने जा रहा हूँ वो है आपका क्या, वो ट्रायंगल के एंगल सम प्रॉपर्टी के कॉन्सेप्ट से है, और बाकी आपका एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी भी होता है कि सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल, इन दोनों इंटीरियर एंगल्स का सम एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा, वो भी कर सकते हैं। तो आई थिंक शायद वही कर लें, वो ज़्यादा बेहतर होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी तो रहने दो, अभी इसका कॉन्सेप्ट नहीं आया है, इसको रहने देते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ से किसा 5 प्लस एक्स इक्वल्स टू 127 डिग्री, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, देन वन वी हैव वाई, वाई का वैल्यू है आपका 77 डिग्री प्लस एक्स इक्वल्स टू 127 डिग्री, देन वन एक्स इक्वल्स टू 127 डिग्री माइनस 77 डिग्री, देन वी गेट एक्स इक्वल्स टू 7 माइनस 7 जीरो, 12 माइनस 7 5, एक्स इक्वल्स टू 5 और वाई इक्वल्स टू 77। क्लियर, ये आपका क्या होगा आंसर। Clear? Thank you all of you.